तो वो देख टॉर्च पे देख बिल्कुल दिख रहा भाई सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप्स आप सभी ठीक होंगे। तो भाई अपनी न्यू कैंपिंग लोकेशन पे आ चुके हैं। तो ये अपनी कैंपर वैन, ये देखिए सामने। तो भाई करते स्टार्ट। और आज कुछ फिलहाल ऑमलेट अपनी चेयर निकल गई। दिस इज माय चेयर, लगाओ मारक। इसमें होता है ये सीन। और यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी गहर ज़्यादा जंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे लेपर्ड भी आता है दोस्तों। देखते हैं क्या सीन है, पहले कुछ बनाते हैं। और ये अपना सामान निकल गया। तो आज ये कह रहे हैं कि भाई हम बनाएंगे। तो हेलो गाइस, देखो ये हमारे आयरन ब्रो हैं, आयरन कैंपर नाम से इनका चैनल है। इस भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ये भाई अपना चूल्हा हो चुका है ओपन, और ये नीचे से भी कुछ आवाज आई, कुछ आवाज आई ना? तो दोस्तों कुछ आवाज आई अभी, लेपर्ड की आवाज थी। तो ये लग गया भाई अपना चूल्हा। तो दोस्तों बता दें आपको, कैंपिंग करनी भाई आसान खेल नहीं है। नाइट में कैंपिंग करना, नाइट में खाना बनाना, वो भी ऐसे जंगल में जहाँ पे लेपर्ड, भालू, जंगली जानवर, इनका ज़्यादा खतरा रहता है। कितना डर होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ आवाज आई? और ये भाई एक डंडा है? है तो भाई, हम जब भी हम आते हैं भाई कैंपिंग करने, थोड़ा अपनी सेफ्टी रखते हैं, ठीक है? माय सेफ्टी आप देख भी रहे हो, डंडे भी हमारे पास, हथियार भी है। अगर कुछ और हथियार नहीं बनता तो भाई अपने बर्तन भी हथियार बनते हैं। ये क्या काट रहे हो? ये भाई हरी मिर्च खा लेता है ना। अरे भाई भाई ऐसा मत करना, कभी लास्ट बार ही हंसा रहे हो। अगर सच में यहाँ पे आ गया ना लेपर्ड, मैंने सुना शीशे फोड़ देगा गाड़ी के। नहीं, गाड़ी के अंदर रहोगे तो तुम, ये है कि 90% तुम सेव हो। 99 अगर ड्राइवर मैं हूँ तो भाई 100% तुम सेफ हो। लेपर्ड की आवाज़ भी आपको सुनाई दी होगी, और अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाई दी होगी जैसे कोई बच्चा रोता है, कुछ ऐसे टाइप को सुनाई दे। वो गिदड़ों की आवाज़ थी रोने की। तो गिदड़ा हमारे आसपास ही है, अगर समझ लो जब गिदड़ा रोते हैं ना, तो ये समझ लो कि नियर उसके आसपास में उसको लेपर्ड दिखाई दिया है, समझ रहे हो? तो चीज़ें थोड़ा भाई जल्दी करते हैं, जल्दी से खाते हैं और चलते हैं भाई अपनी गाड़ी में, क्योंकि बाहर उतना सेफ नहीं है जितना हम समझ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हो, क्योंकि कैंपिंग होना आसान खेल नहीं है। ठीक है, सेफ्टी भाई अपने हाथ में रखना जरूरी है। ओ भाई, तो भाई ये तो ये गिर गया नीचे। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, ये रही अपनी, यहीं खड़ा करते भाई ये। तो इसमें डालते हैं भाई अपने सबसे पहले ये सब मटेरियल, ठीक है जी। तो भाई ट्राई करते हैं, फूट तो गया ये देखो दोस्तों ये। तो भाई जहाँ पे आप कभी कोई भी कैंपिंग, अगर अंडा बनाए या फिर अगर चिकन बनाए, तो भाई जंगली जानवर को उनकी महक बहुत जल्दी आती है। तो भाई इसमें डाल दिया अपना शेजवान सॉस, नमक भी डाल दिया। अब करते हैं इसको मिक्स। और भाई आपने आवाज़ तो सुनी होगी, अभी हल्की सी आवाज़ लगी थी मुझे इधर से, बहुत ही हल्की सी। ये करते अपने मिक्स। भाई कुछ है? भाई है कुछ? कुछ है?
भाई कुछ था, सुनी तूने आवाज? लॉक लगा लो भाई। लॉक तो लगा ली मैंने, तो इधर से कुछ आवाज आई थी दोस्तों, सुगंध हो रहा थोड़ा सा। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ तुम। बाहर बना रखा है, बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, ये शीशा इतना गंदा हो गया क्या? हालत खराब हो गई भाई, कुछ था शायद भाई, इधर से जा रहा है। मुझे ऐसे लगी थी, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा। तो दोस्तों मैं आपको बता, थोड़ा शीशा डाउन करके इधर की साइड से, या आप देख रहे होंगे इधर की साइड से कुछ था इधर भाई साहब। दो आंखें चमकी थी मुझे, जैसे काली काली दो आंखें चमकती है ना, मतलब वाइट सी रोशनी पड़ती है इधर की साइड से। बहुत गंदा वाला सीन था भाई। भाई माल बना रखा बाहर, कोई दिक्कत नहीं, भूखे सो जाएंगे भाई, हालत खराब होगी। अभी तो कुछ शांत सा लग रहा है, चले? मैं नहीं जा रहा। ए भाई ये तो कोई बात नहीं है, तू नहीं जा रहा यार, अकेला बंदा कहाँ तक रुकेगा? स्टैंड लगा लो भाई बाहर। आ जा, पहले गाड़ी के नीचे देखो। अरे गाड़ी के नीचे कुछ नहीं, तुम आ जाओ, तुम एक बार ट्राई करो। अरे कुछ नहीं, आ जा आ जा आ जा, इतना मत डर है, आ जा। तो भाई गाड़ी हम अपने रखते, ये खुले, क्योंकि लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और अपना मटेरियल बना रखा है, सुमार है। चलना एक मिनट, हो भाई आ जाओ ना इधर, इधर से चलो भाई, इधर इधर ही कर लूँगा मैं, इधर ही। एक मिनट एक मिनट, ज़्यादा दूर मत खड़े हो। हाँ हाँ हाँ, चल कर ले, कर ले, कर ले, कर 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 भाई। भाई 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 भाई। मुझे लैपर नहीं लगा था वो, मुझे पानी दे दो भाई, पानी दे दो भाई। तो दोस्तों पीछे भी खुला है, पीछे कुछ देखते हैं भाई, इधर था। वैसे पीछे की डिग्गी हमारी खुली है, क्योंकि जगह इतना स्पेस नहीं है, डिग्गी हमारी बंद नहीं है। इधर साइड टॉयलेट करने गए थे, कुछ था, दोनों आंखें चमकी थी, जैसी उसकी मोबाइल की टॉर्च पड़ी थी ना आंखों पे, दूर से दोनों आंखें दिखी थी उसकी। क्या कहता है? घर चलते, घर चल, गाड़ी लॉक कर लो। गाड़ी तो लॉक है यार, गाड़ी तो खैर ना खोल रहा, हालत खराब हो गई भाई। वो काम मत करो भाई, काम तो खैर कैंपिंग का अपन अलग मजा है। कहीं तो कार कैंपिंग स्टार्ट किया, पहले टेंट करते थे, उस दिन हालत ख़राब हुई थी भाई। अब कार में ही कैंपिंग होनी है, खाना वाना बनाओ कार में, लेटो जो भी है, क्योंकि कार सेफ है यार, सेफ है कार में। अगर आप अंदर हो, लेपर्ड भी आ जाएगा तब भी आप सेफ हो, समझ रहे हो? टेंट के अंदर आप सेफ नहीं हो कहीं भी। अगर आप जाते हो जहाँ पे लेपर्ड इनका जंगली जानवरों का ज़्यादा खतरा है, तो भाई कैंपिंग बहुत बेकार है, टेंट वाली। कार में सो जाओ बढ़िया है, या टेंट रूफ वाले कार पे जो टेंट होता है ऊपर छत पे, या वो वाला हो तो सेफ हो, लेकिन टेंट में सेफ नहीं हो आप। लेपर्ड की आवाज़ थी, लेपर्ड भाई साहब इधर से दोस्तों, लेपर्ड की आवाज़ आई थी अभी, वही था जिसकी आंखें दिखी थी, वो लेपर्ड ही था। कल में तो भाई टाइम भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये हो रहा है 11:47, 11:47। चला के बाहर देखते थोड़ा सा,
तो भाई अपने गेट हम खुले रखते हैं, लगाते नहीं हैं। अभी भाई हम इधर साइड गए थे और वॉशरूम करने, तो आपको दिख रहा हो बिल्कुल अंधेरा को पूरा वैसे इधर साइड। और भाई साहब जो हमारी हालत हुई, मतलब टॉर्च मोबाइल की टॉर्च उसकी आंखों पे पड़ी तो वो दोनों आंखें चमकी थी। और भाई इसको तो आ रहा था टॉयलेट और भाई साहब नहीं कर पाया ये। तो भाई बनाते हैं ऑमलेट, थोड़ा सतर्क रहे। डंडा कहाँ है हमारा? हंड्रेड परसेंट बचना नहीं होगा, लेकिन वो आपकी हिम्मत पे डिपेंड रहेगा। पहली चीज, अगर टाइगर या लेपर्ड डरता किससे है? अगर आपके हाथ में कुछ हथियार है, डंडा है या कुछ भी है, अगर कुछ भी मिलता है आपको, आप उसी चीज़ को अपना हथियार बनाए। मान लो ये बर्तन है, इसको हथियार बना लो, दोनों हाथ ऊपर करो, हाँ चिल्लाओ जितनी तेज़ी से चिल्ला सको। तो उसको थोड़ा सा जब हाथ उठाओगे तो उसको थोड़ा आप बड़े दिखाई दोगे, तो वो या तो वो पीछे हटेगा, समझ रहे हो? तो आपकी हिम्मत ही आपका साथ देगी। या दो लोगों के तरह ही ना पाए कुछ था। आई थी आवाज इधर से ही आती है भाई, बार बार आई तो थी। तो अभी दोस्तों इधर से ही, जहाँ से पहले आई थी ना, इधर से भी आवाज़ आई थी लेपर्ड की। तो भाई अपना ये माल रेडी हो चुका है, और कानों को भी इधर से ध्यान देना है हमें, कुछ आ ना जाए कोई जानवर कुछ भी। तो भाई पहले करते अपने रेडी मटेरियल भी, हमारा माल सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है, ये करते हैं पैक, खाते हैं पहले, फिर पैक करते हैं, फिर गाड़ी के देखते हैं कि भाई इसमें रुकते हैं या फिर निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा भाई देखो, इसने भी हाथ वैसे थोड़ा लगा दिया, मुझे लगता नहीं था ये हाथ लगाता भाई, लेकिन नहीं। तो भाई ये अपनी गाड़ी, इसमें बहुत जल्दी हम कैंपिंग करेंगे, मतलब कि एक बेड भी लगाएंगे जिसमें दो बंदे हम लेट सके, और ऊपर की साइड यहाँ पे किचन बनाएंगे। तो हमारा ये जो काम जामा है इस टाइप का, वो बंद कर देंगे अगर आप लोगों की सपोर्ट रहे तो। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए आप। तो अपने आगे भाई नेक्स्ट बाइक, और खाते हैं। बाकी चलते हो खाएंगे भाई साहब, गजब बेहतरीन मजा खड़ा हुआ। वैसे खाने का मजा जंगल में ही है, तो भाई खा के निकलेंगे, ऐसे नहीं बाहर ही खाएंगे। खा लिया हमने देखो एक एक दाना। दोस्तों लेते हैं गाड़ी बैक, आवाज आई तुझे इधर से? तो भाई ये अपनी टॉर्च, और लपट के आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही भाई, वो उधर उधर टॉर्च मारो, टॉर्च मारो, टॉर्च मारो, टॉर्च मारो, टॉर्च मारो, लाइट बंद कर दो, लाइट दिख रहा है तुझे? हाँ, टॉर्च मारो, टॉर्च मारो, दोस्तों आपने देखा होगा लेपर्ड हालत खराब हो गई बिल्कुल। तो भाई टॉर्च करते हैं, हमने गाड़ी की भी लाइट बंद कर दी थी, गाड़ी की लाइट, क्योंकि दूर जाता वो, हम खड़े थे ना वहां पे, हमने बना रहे थे जब ये वॉशरूम के लिए गया था, टॉयलेट करने गया था भाई, उस टाइम दिखी थी उसकी दोनों आंखें, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया। या तो उसको भूख नहीं होगी जो हमारे पास नहीं आया, अगर उसे भूख होती ना भाई तो वो रुकने वाला नहीं था हमारे पास, जरूर आता, क्योंकि जब इनका पेट भर होता है तो भाई ये अटैक नहीं करते ना ये जाते किसी के पास। लेकिन आपने देखा भाई दोबारा सडनली भाई, तो यहाँ रुकते नहीं है भाई, यहाँ से निकलते हैं, कुछ फायदा नहीं है। लास्ट में मिल गई है टॉर्च जिसका हमें फायदा हो गया, शुरू में नहीं मिली थी, बाद में जाके मिली है टॉर्च भाई साहब। तो भाई निकलते हैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, निकलते हैं यहाँ पे घर के लिए, थैंक यू।